कोरोना वायरस ने अपना पैर बहुत बुरी तरह से फैला लिया, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको मिलके लड़ना है और हम जीतेंगे ज़रूर। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो हम घर में ही बना के पी लें, जो हमारे इम्यून पावर को बनाए रखे, स्ट्रॉन्ग रखे। इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यून पावर की बात करें, तब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो सुरक्षित रहता है। जैसे ही वो संसार में जन्म लेता है तो बाहर के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए माँ का जो पहला दूध होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो उसको तैयार करता है बाहर के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए। तो हमारा इम्यून जो पावर है वो बचपन से ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें अपने डेली रूटीन में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, वो बना रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, हेल्दी डाइट लेना है और हाइजीन पे बहुत, इस समय ख़ास तौर से तो इस समय सफाई पर, हाइजीन पे बहुत ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करना है कि आपको एक कुछ मैं बताना चाहूँगी कि जो आप डेली, आप यदि सुबह खाली पेट मॉर्निंग में पी लें तो आपको इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून पावर के लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करें कि आप एलोवेरा ले लें। एलोवेरा घर में लगा होता है, उसका गूदा, उसके ऊपर का छिलका निकाल करके 2 चम्मच गूदा ले लें। आंवला ले लें, यदि आपको फ्रेश मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आंवला जूस ले सकते हो, आप आंवला पाउडर ले सकते हो। इसके अलावा आप गिलोय ले लो, 6 से 8 स्टेम जो फ्रेश होती है, सॉफ्ट स्टेम होती है, उसको ले लीजिए। 7 से 8 तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए, 5-6 नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, 7-8 आप करी पत्ता ले, 4 आप पुदीना की पत्तियाँ ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ले लो, आप गेहूं के ज्वारे का रस, जो ग्रीन पार्ट होता है, गेहूं जब आप बोया जाता है तो उसके ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको भी ले सकते हो। यदि आप वो नहीं उपलब्ध है तो आप एक मुट्ठी आप गेहूं, जो कनक जिसे कहते हैं, उसको आप रात में साफ़ धो करके आप साफ़ पानी में भिगा दीजिए और उसका जो पानी है उसको आप इसी सब सारे जो मैंने बताया इसको कूट लीजिए, कूट करके और इसका सरस निकाल करके, और वो गेहूं का जो आपको ज्वारे का रस है तो वो मिला लो, नहीं तो जो आपने भिगाया है गेहूं को उसका पानी वो मिला लो, हल्का सा गरम करके। गरम करने का मतलब मेरा ये होता है कि थोड़ा सा स्टरलाइज हो जाता है, उसको गरम करके और उसमें शहद मिला करके डेली रूटीन में आप ये पिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये पिया और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, ये नहीं है। आपको इसके अलावा भी आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बहुत सारी आपके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपके डेली रूटीन की लाइफ में, आपके हेल्थ में बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है। और अपने डाइट, जो हेल्दी डाइट है, आपकी अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, आपने यदि आपको कोई डिजीज़ है तो उसके हिसाब से, और जो आपका फिज़िकल वर्क है उसके हिसाब से अपने डाइट को उसी हिसाब से एडजस्ट करके वो लेना है और हाइजीन पे ध्यान रखना है। तो जैसे कि बात हो रही है कि कोरोना वायरस तो आज है, थोड़ा सा हम फाइट करेंगे और जीतेंगे ज़रूर, चला भी जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हाँ बस अभी के लिए आपने अपना इम्यून पावर, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया, फिर इसके बाद फिर बात ख़त्म, नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा कोई वायरस आ जाएगा। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ को बिल्कुल ध्यान रखना है हमेशा के लिए, कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी आए उससे आप फाइट कर सकें। तो आपको ये नहीं कि आज किया और कल ख़त्म, बस आज कोरोना वायरस चला गया तो इसके बाद फिर आपने फिर अपने डेली रूटीन को ख़राब कर देना, नहीं, आपको इसी को मेंटेन रखना है। तो इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और कैसी भी बीमारी है, कैसा भी बैक्टीरिया है, कैसा भी वायरस है, उससे आप फाइट कर सकते हो। इसलिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।